नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। यह है अपनी इंडियन पॉलिटी की सीरीज जिसमें आज हम देखने वाले हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में। दरअसल ये अपनी सीरीज चल रही है इंडियन पॉलिटी की, जिसमें हमने प्रीलिम्स से पहले कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी देख लिए हैं, है ना। हमने आर्टिकल 22 तक जो है वो डिस्कस कर लिया है बहुत ही अच्छे से, है ना। प्रीलिम्स की वजह से अपनी सीरीज को रोकना पड़ गया था, पर अब प्रीलिम्स हो चुकी है इसलिए हम अपना जो काम है वो उसे शुरू कर रहे हैं, अपनी सीरीज को शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम प्री प्लस मेंस दोनों की दृष्टि से डिस्कस करने वाले हैं, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं और 2024 के ट्रेंड को देखते हुए किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब हम देखने वाले हैं। अगर आपने पिछले सालों के क्वेश्चन देखे हैं तो आपको पॉलिटी का महत्व पता ही होगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पॉलिटी का महत्व कितना है। समझ रहे हैं आप बात? पॉलिटी के क्वेश्चन गलत करने के रिस्क कोई भी समझदार एस्पिरेंट नहीं ले सकता है, और अगर आपको वो सही करने हैं तो आप सही जगह पर आए हो पढ़ने। लर्निंग इससे बढ़िया जगह आपको मिलने वाली नहीं है, जहां पर हम लक्ष्मीकांत प्लस एनसीईआरटी दोनों से हम डिस्कस करने वाले हैं। एनसीईआरटी के कंसेप्ट और लक्ष्मीकांत के फैक्ट सब कुछ हम इसमें पढ़ने वाले हैं, है ना। प्रीलिम्स अपना हो ही चुका है, जिस जिसके अच्छे मार्क्स बन रहे हैं, यानी मेरे हिसाब से 90 प्लस माइनस 4, आप कम से कम इसी के आसपास जो है वो कट ऑफ रहने वाली है, यानी कि +4 यानी 94 के आसपास हो, कि 95 97, ऐसा आप मान लो 567 ऐसा कुछ, और इससे कम आपके, अगर मैं बता रहा हूँ, अगर इसके आसपास आपकी आपके नंबर बन रहे हैं तो आपको आपको मेंस की तैयारी शुरू करनी चाहिए, और अगर नहीं तो प्लान बी क्या हो आपका, इसके बारे में हम एक नया वीडियो लेके आएंगे। उसमें हम विस्तार से डिस्कस करेंगे, जो अपना शो है विमर्श, उस विमर्श में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो आज का बहुत हो गया, आज का लेक्चर जो है हम शुरू करने वाले हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑलरेडी हम 22 अनुच्छेद तक पढ़ चुके हैं, और इस शोषण के विरुद्ध अधिकार में हम देखने वाले हैं अनुच्छेद 23 और 24 के बारे में, है ना। किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम उतना उस हिसाब से देखेंगे, फालतू के ज्यादा हम पछड़े में पढ़ने वाले नहीं हैं, है ना, क्योंकि और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो आपको पढ़ने। तो सबसे पहले हम देखेंगे आर्टिकल 23, तो आपको याद रखना है मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम का निषेध, ये वाली बात किसमें है, आर्टिकल 23 में। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं 23 और 24 में। तो देखो, बलात्श्रम और मानव दुर्व्यापार ये किसमें लिखा हुआ है, अनुच्छेद 23 में। तो आप कहोगे सर अनुच्छेद 24 में क्या लिखा है, तो अनुच्छेद 24 में लिखा है कि कहाँ कहाँ पर कोई जो हानिकारक उद्योग धंधे हैं वहां पर आदमी काम कर सकता है कि नहीं कर सकता, वो वाली चीजों के बारे में दिया हुआ है बच्चों से रिलेटेड आर्टिकल 24 में। 25 में क्या दिखा है, मानव दुर्व्यापार। दुर्व्यापार क्या होता है, ट्रैफिकिंग का आपके नाम सुना है कि भाई किसी को उठा के लिया है, किसी को बहला फुसला के लिया है, फिर उनसे इस तरीके से काम करवाए जा रहे हैं जैसे कि वो जेल में हो। बलात्श्रम का अर्थ क्या हुआ, बलात्श्रम का अर्थ हुआ कि जबरदस्ती किसी से काम करवाना, वो आदमी काम करना नहीं चाह रहा है फिर भी उससे आप काम करवा रहे हो, वो है बलात्श्रम, फोर्स लेबर जिसे कहा जाता है। तो इसकी चर्चा की गई है आर्टिकल 23 के अंतर्गत, है ना। बेगार, है ना, दुर्व्यापार, कैसा दुर्व्यापार, मानव दुर्व्यापार, भाई कोई किसी को खरीद रहा है बेच रहा है, बच्चों को खरीद रहा है बेच रहा है, स्त्रियों को खरीद रहा है बेच रहा है, लड़कियों को खरीद रहा बेच रहा है, तो उसे आप व्यापार थोड़ी कहोगे, वो तो दुर्व्यापार है ना। आर्टिकल 19 जब हमने डिस्कस किया था तब मैंने वहां पर व्यापार की परिभाषाएं बताई थी, यानी कोई भी इलीगल चीज है उसे आप व्यापार जो है बिजनेस का नाम नहीं दे सकते, है ना। ठीक है, तो इस प्रकार के जो भी बलात्श्रम है उन पर प्रतिबंध लगाता है आर्टिकल 23, है ना। इस व्यवस्था के अनुसार कोई भी अगर उल्लंघन होता है इसका, बलात्श्रम का या मानव दुर्व्यापार का, तो उस वो कानून के अनुसार दंडनीय है। आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तो जा ही सकते हो मूल अधिकार के अंतर्गत रिट पिटीशन के साथ, है ना। साथ साथ इससे रिलेटेड अलग अलग कानून भी बनाए गए हैं भारतीय संसद के द्वारा, और ये अधिकार सिर्फ नागरिकों को ही नहीं बल्कि गैर नागरिकों को भी प्राप्त है ना। तो सिर्फ नागरिकों को प्राप्त कौन से अधिकार हैं, आर्टिकल कौन से, 15 16 19, माफ कीजिएगा 29, माफ कीजिए 19 29 और 30, ये सिर्फ अधिकार किसको प्राप्त है, ये अधिकार प्राप्त है नागरिकों को, बाकी सारे किसको है, बाकी नागरिकों को और गैर नागरिकों को दोनों प्राप्त है। अब मान लीजिए कोई
कोई आदमी अपने यहाँ, कोई व्यक्ति युगांडा से भारत आया और भारत में आ गया, युगांडा से व्यक्ति, उसको कोई यहाँ पर बेच रहा है, खरीद रहा है, या उससे जबरदस्ती फोर्स लेबर करवा रहा है, जबरदस्ती बेगार करवा रहा है, तो क्या वो जा सकता है कोर्ट के पास? तो बिल्कुल जा सकता है, उसे भी अधिकार है। ऐसा नहीं कि युगांडा से, अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, कहीं से कोई व्यक्ति आ गया, बाहरी व्यक्ति, और उससे हम जबरदस्ती काम करवाने लगे, ऐसा नहीं किया जा सकता। ठीक है, साथ ही साथ ऐसा नहीं हो कि कोई राज्य ही करवा रहा हो। अब राज्य की डेफिनेशन क्या है? तो आर्टिकल 12 जो है उसमें राज्य की डेफिनेशन दी गई है, मूल अधिकारों से संबंधित राज्य क्या होगा, तो उसमें आर्टिकल 12 में दी गई है, और वो अच्छे से मैंने आपको डिस्कस करवाया है। तो इसमें न सिर्फ राज्य अगर ऐसा करे उसके विरुद्ध आपको अधिकार प्राप्त है, बल्कि कोई व्यक्ति ऐसा करे तो भी। मान लीजिए कोई भूप सिंह नाम का व्यक्ति है, और ये भूप सिंह जो है वो आपके साथ बलात्श्रम आपसे करवा रहा है, यानी आपको पैसा दे नहीं रहा है और आपसे काम करवा रहा है, तो आप क्या कोर्ट जा सकते हो? बिल्कुल, आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। क्या कोई राज्य है, मान लीजिए झारखंड, झारखंड जो है वो वहां की सरकार जबरदस्ती काम करवा रही है, तो क्या आप हाई कोर्ट जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो? बिल्कुल, आप कोर्ट में जा सकते हो, है ना। तो ये राज्य के साथ साथ व्यक्ति के खिलाफ भी ये अधिकार हमें प्राप्त है। ठीक है साहब, समझ में आ गया, आगे चल लेते हैं। आगे क्या आ गया, माफ कीजिएगा। हाँ जी, अब सर आपने ये तो बता दिया कि मानव दुर्व्यापार, मानव दुर्व्यापार में आता कौन कौन सी चीजें? तो मानव दुर्व्यापार में आएगा कोई पुरुष हो, महिला हो, या कोई बच्चे हो, उनको वस्तुओं के समान खरीद बिक्री करने लग जाए, है ना। ये देखो, इसको पकड़ के लेके जा रहा है बंदा और जाके बेच देगा। पर इतिहास में हमने जब मध्यकालीन भारत पढ़ रहे थे तो हम आपको बता रहे थे गुलाम वंश पूरा आता है, तो गुलामों को ऐसे खरीदा बेचा जाता था। तो क्या अभी ऐसा किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है, मानव दुर्व्यापार प्रतिबंधित है। महिलाओं और बच्चों का अनैतिक दुर्व्यापार किया जाना, वेश्यावृत्ति भी इसमें शामिल है। कल को यूपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन बना सकती है कि मानव दुर्व्यापार में इनमें से क्या क्या शामिल है, तो वेश्यावृत्ति भी इसमें शामिल है। यानी किसी बच्चे को आप ले आए बहला फुसला कर, और अब आप उसको वेश्यावृत्ति में, प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में उतार दे रहे हो। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो सेक्स वर्क है, इसको एक बिजनेस जो है उसका टाइटल दे दिया है कि ये इनको अपना काम करने का अधिकार है। ये एक बड़ा सराहनीय, मैं कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, परंतु जबरदस्ती वेश्यावृत्ति करवाना ये तो गलत है ना। यही तो बलात्श्रम करवाना है ना, वो इसके अंतर्गत आता है। देवदासी, अब ये देवदासी क्या होता है? देवदासी हुआ क्या करता था प्राचीन काल में, या आपको कि मध्य काल में, इस प्रकार से हुआ करता था कि कुछ स्त्रियों को, कुछ बच्चियों को मंदिर में ले जाया जाता था और भगवान को उन्हें चढ़ा दिया जाता था, ऐसे जैसे आज बकरी चढ़ाते हैं वैसे, कि भाई अब ये भगवान की हुई, अब इनका काम है वहां पर नृत्य करना, किसके लिए? भगवान के लिए, यानी ये देवों के लिए है, अब ये देवों की दासी हो गई है ना। परंतु वास्तविकता में क्या होता था कि इनका यौन शोषण किया जाता था। मैं बिल्कुल भी हिचकूंगा नहीं ये बात कहने में, अगर किसी को कॉन्ट्रोवर्सी लगे तो लगे, जो हमारे कल्चर में गलत चीजें हैं वो उसको हमें गलत बताना ही पड़ेगा। ये देवदासी एक गलत प्रथा थी, इसलिए आज ये बंद कर दी गई है, ये प्रतिबंधित है कानून के द्वारा, है ना। तो ये देवदासी प्रथा, दास प्रथा है ना, गुलाम बना लेना प्राचीन काल में चला करता था, है ना। तो इस प्रकार से दास बनाना ये भी आज के वक्त में, आज के समय में ये प्रतिबंधित है, और इन कृत्यों के लिए हमारे यहाँ दंडित करने के लिए कानून भी बनाया गया है, अनैतिक दुर्व्यापार अधिनियम, इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट 1956। इस प्रकार का कानून ऑलरेडी अपने यहाँ देश में बनाया जा चुका है। ठीक है साहब, देखो देवदासी इस प्रकार से, क्या देवों के लिए जो नृत्य वगैरह किया करती थी वो देवदासी, जिन्हें क्या कह दिया जाता है, देवों की दासी, वो देवदासी हो गई। अब यहां पर बात आई बेगार, तो आप कहोगे सर ये बेगार क्या, किसे बेगार कहा जाता है? तो हुआ क्या करता था प्राचीन काल में, जब मैं प्राचीन काल की बात करूं तो प्राचीन काल मध्य काल को एक ही बात है, समझ, वैसे एक बात नहीं है, पर समझने के लिए, पुराने समय में ऐसा होता था कि जो जमींदार हुआ करते थे, वो जमींदार क्या करते थे, उनके अंडर में कोई काम कर रहे होते, भाई एक तो जमींदार हो गया, उनके नीचे बेचारे किसान हो गए छोटे छोटे, और कुछ तो ऐसे लैंडलेस लेबरर भी आए थे, क्या भूमिहीन, भूमिहीन जो किसान आए बेचारे, तो वो क्या करते थे, जमींदारों से संबंध होते थे और ये जमींदार इनसे काम करवाते थे, और इनको कोई पारिश्रमिक या उसके बदले में पैसा वगैरह भी
नहीं देते थे। तो आप कहोगे सर ये काम क्यों करते थे, इन बेचारों के लिए 2 वक्त का खाना दे दे वही बहुत हुआ करता था, और इनके पास ऑप्शन भी तो नहीं था, कहाँ जाएं क्या करें, जाए तो जाए, कहाँ करे तो करे क्या, वो वाली सिचुएशन इनके सामने थी। तो ये व्यवस्था जो है बेगार से आता है, नहीं प्राचीन काल में, मैंने जब आपको प्राचीनकालीन हिस्ट्री पढ़ा रहा था मैं आपको, तो मैंने बताया था विष्टि, और यूपीएससी इस पर क्वेश्चन पूछा हुआ, तो विष्टि क्या था, विष्टि एक प्रकार का कर था और ये बेगार ही तो हुआ करता था, है ना। तो ये प्राचीनकालीन एक टर्म है जिसमें क्या किया जाता था, जो क्षेत्रीय जमींदार होते थे वो अपने नौकरों से या कभी कभी उनसे कोई उधार ले लिया करता था, उनसे बिना उनको पैसे दिए उनसे काम कराया करते थे। जैसे भूप सिंह है, भूप सिंह मान लीजिए जमींदार है, और इनके पास चले गए चंदन सिंह जी, चंदन सिंह जी गरीब किसान है, तो चंदन सिंह इनके पास चले गए और इनसे मान लीजिए इन्होंने ले लिया 600 रुपये उधार। अब इनके पास वापस देने के लिए पैसा नहीं है, तो अभी एक भूप सिंह क्या करवाएंगे, चंदन सिंह से फ्री में काम करवाएंगे। ये हो गई बेगार, है ना। इसके अलावा अनुच्छेद 23 में बेगार के और भी प्रकार बताए गए हैं, जैसे बंधुआ मजदूरी जो है वो भी बेगार में ही आती है। बंधुआ मजदूरी का मतलब क्या हुआ, आपको बांध दिया भाई आपको सिर्फ हमारे यहाँ ही काम करना है ना, और आप कहीं दूसरी जगह काम करने नहीं जा सकते, ये भी तो जबरदस्ती काम करवाना ही तो हुआ, है ना। किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध उससे काम करवाना, यही तो बेगार है, यही तो बंधुआ मजदूरी है ना। और बलात् जो बलात् श्रम है, उस बलात् श्रम में सिर्फ कोई शारीरिक और कानूनी बलात् स्थिति ही शामिल नहीं होती है उसमें, कि भाई सिर्फ शारीरिक और कानूनी बलात् स्थिति उसमें आ गई, बल्कि इसमें वो वाली सिचुएशन भी आती है। कौन से वाली सिचुएशन, कि आदमी काम तो कर रहा है परंतु वो अपनी मर्जी से काम नहीं कर रहा, उसको जितना पैसा मिलना चाहिए उतना पैसा मिल नहीं रहा है। समझ पा रहे हैं आप बात। आप समझ पा रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक पीएचडी करा हुआ बंदा है, और उस पीएचडी करे हुए व्यक्ति को कितना जो है तनख्वाह मिलनी चाहिए, आप कहोगे सर कम से कम 50,000 के आसपास तो उसे मिलना ही चाहिए, क्योंकि अगर उसने जेआरएफ क्लियर किया है तो भी 40 के हजार के आसपास तो उसकी कुछ वही जेआरएफ ही बन जाती है, तो उसको इतना तो पैसा मिलना चाहिए। परंतु कोई पीएचडी करा हुआ व्यक्ति है, वो काम कर रहा है 20,000 रुपये में, 10,000 रुपये में पर मंथ, तो ये क्या हुआ, ये आर्थिक आर्थिक परिस्थिति से उत्पन्न उसकी बाध्यता हो गई। तो यह भी एक बंधुआ मजदूरी है, या ये इसे भी बलात् श्रम माना जाएगा, फोर्स्ड लेबर इसको माना जाएगा, यानी जो न्यूनतम मजदूरी है उससे भी कम में अगर कोई काम कर रहा है तो इसे भी बलात् श्रम माना जाएगा। और इसके लिए हमारे यहाँ अलग अलग प्रकार के कानून लाए गए हैं, जैसे बंधुआ मजदूरी व्यवस्था निरसन अधिनियम 1976, सारे आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस कान में पड़े हो। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 हो गया, ठेका अधि श्रमिक अधिनियम 1970, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। अब इनको तो क्या कर दिया गया है, 2019 में वेज कोड बना दिया गया इनका, है ना। 2019 में वेज कोड बिलाया था, वो अब बन गया एक क्या कानून, तो वेज कोड जो है वो उसमें सब ये एक्ट जो है वो सम्मिलित कर दिए गए हैं। 2019 के अंतर्गत संसद ने एक एक्ट पारित कर दिया था, वेज कोड एक्ट जो है वो, है ना। अनुच्छेद 23 में कुछ अपवाद भी है, कैसा अपवाद, कि मान लीजिए कोई भी इमरजेंसी का काम आ गया या कोई सार्वजनिक उद्देश्य का काम आ गया जिसमें सरकार अनिवार्य सेवा जो है वो लागू कर दे, कि भाई ये काम आपको करना ही पड़ेगा, वो अनिवार्य सेवा चाहे आपकी सैन्य सेवा हो या कोई सामाजिक सेवा हो। तो जैसे ये अनिवार्य सेवा है ना, ये कहाँ है, ये इसराइल में है। इसराइल में आपको हर परिवार से एक बंदे को आपको क्या करना पड़ेगा, अनिवार्य सेवा आपको करनी पड़ेगी, शायद एक परिवार से एक व्यक्ति को या सभी व्यक्तियों को कुछ सालों के लिए तो सेना में काम करना ही पड़ता है, ये अनिवार्य सैन्य सेवा होगी। कुछ सामाजिक काम में भी लगाया जा सकता है ना। मान लीजिए ऐसे इमरजेंसी आ गई कि भगवान ना करे ऐसा कभी हो, पर सेना जो है अपनी कमजोर पड़ने लगे या सैनिक कम हो गए, तो क्या होगा, सरकार ये निर्धारित कर सकती है भाई सब आदमी जाओ और लड़ो जाके, है ना। या कोई सामाजिक सेवा करवानी हो, कोई पुल बनवाना हो, कोई रोड बनवानी हो, इमरजेंसी ऐसी आ गई है, तो सरकार ये कह सकती है कि भाई आप ऐसा काम करो, ये अपवाद है। कल को ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी बना देगी, क्या सरकार ऐसा कर सकती है, तो बिल्कुल कर सकती है। और वो उसके लिए धन देने को भी बाध्य नहीं है, कि वो आपसे काम भी करवाए आपको पैसा दे, ऐसा भी नहीं है, वो आपसे काम करवा ले पैसा भी नहीं दे अगर इमरजेंसी ऐसी आ गई है सरकार के पास तो। परंतु इस प्रकार की अगर कोई भी सेवा ली जाती है उस सेवा में भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए,
किसी भी प्रकार का धर्म का, जाति का, वर्ग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव उसमें नहीं किया जाना चाहिए कि फला फलाना जाति जो है उसी के लोग काम करेंगे, फला फलाना धर्म के लोग काम करेंगे, इस प्रकार के काम जो है उसमें नहीं लगाए जाने चाहिए। यह हमने देख लिया आर्टिकल, माफ कीजिएगा, यह हमने देख लिया आर्टिकल 23। अब हम देखेंगे आर्टिकल 24। आर्टिकल 23 में क्या था? बलात्श्रम है ना, और मानव दुर्व्यापार, मानव दुर्व्यापार, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर आते हैं इसमें आर्टिकल 23 में। 24 में कौन सा आता है? तो 24 में आता है कारखानों या और भी जो चीजें उनमें, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर जो निषेध लगाया गया है, जो प्रतिबंध लगाया गया है वो है आर्टिकल 24, है ना। तो अगर बात करें बाल श्रम और मानव दुर्व्यापार की तो वो आता है अनुच्छेद 23 में, और कारखानों वाली जगहों में अगर बालकों के नियोजन की बात हो तो आती है, वो आती है बात अनुच्छेद 24 में। इसमें चाहे कोई फैक्ट्री हो, कोई खान हो, या कोई भी ऐसी संकटमय गतिविधि हो जिसमें कि कोई भी निर्माण कार्य हो रहा हो, यानी कंस्ट्रक्शन का, या रेलवे, किसी भी प्रकार का काम हो, उस काम में 14 साल से कम के बच्चे तो उस काम में वहां पर काम कर ही नहीं सकते हैं। परंतु यहां पर देखो, कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाला अगर कार्य है तो वहां पर 14 साल से कम के बच्चे काम कर सकते हैं, ऐसा इसमें कहा गया है अनुच्छेद 24 में। मगर कोई भी हैजार्डस, कोई भी खतरनाक काम है, कोई फैक्ट्री है, कोई खान है, वहां पर काम नहीं करवाया जा सकता, ऐसा अनुच्छेद 24 कहता है। परंतु कोई अगर नुकसान नहीं पहुंचाने वाला काम है तो वहां पर काम करवाया जा सकता है, ऐसा अनुच्छेद 24 कहता है। ठीक, आगे आ जाते हैं। यहां अब देखो, इसी के लिए बाद में बाल श्रम प्रतिषेध और नियमन अधिनियम लाया गया 1986 में, ये फेमस है। अभी अपना यही अधिनियम चल रहा है, बस 2016 में इसमें एक संशोधन कर दिया गया था। इसमें एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कानून है, बाल श्रम प्रतिषेध और नियमन अधिनियम 1986, ये एक्ट आपको याद होना चाहिए, है ना। इसके अलावा बालक नियोजन अधिनियम 1938 है, कारखाना अधिनियम में भी इसकी बात की गई है, खान अधिनियम है, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम है, बागान, मोटर परिवहन, कर्मकार, प्रशिक्षु है ना, यानी जो अप्रेंटिसशिप होती है उसमें भी है, बीड़ी सिगार कर्मकार वाला में है, इस प्रकार से बहुत सारे कानून अपने यहाँ हैं जहाँ पर यहाँ जो है वो बालकों के श्रम की बात कही गई है कि इतने 14 वर्ष से कम के बालक जो है उनको नियोजित नहीं किया जा सकता है ना। ठीक है, 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने बाल श्रम पुनर्वास कल्याण कोष स्थापित करने के निर्देश दिए, भाई सरकार जो है वो बाल श्रम पुनर्वास कल्याण कोष जो है वो एक स्थापित करें, जिसमें अगर कोई बालक को नियोजित कर रहा है तो प्रत्येक बालक के लिए 20,000 रुपये का एक कोष वो बनाए, है ना, ताकि उसकी शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण से संबंधित पैसे जो है इस कोष से दिए जा सके, है ना। इसी के आधार पर बाद में आगे देखें तो 2005 में, 2005 में बाल अधिकार संरक्षण आयोग बना दिया जाता है ना, एनसीपीसीआर, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ये बना दिया जाता है, और ये अधिनियम बना दिया गया, और फिर एक साथ साथ एक आयोग भी बना दिया जाता है ताकि राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर बालकों के विरुद्ध कोई भी अपराध हो, या अपराध से संबंधित कोई उल्लंघन से संबंधित कोई मामला हो, उस पर विचार करने के लिए एक आयोग अपने यहाँ देश में होना चाहिए। तो आज भी अपने यहाँ ये आयोग है, एनसीपीसीआर। कुछ भी ऐसी बात होती है जहाँ पर बालकों की बात आती है तो ये एनसीपीसीआर आगे आ जाता है, चाहे आप कहो कि चाहे कोई बच्चे से क्राइम वगैरह हो जाता तो भी ये एनसीपीसीआर यहाँ पर आता है, जुवेनाइल जस्टिस जो है कमीशन है वो सब यहाँ पर आते हैं, है ना। 2006 में क्या हुआ, सरकार ने बच्चों के घरेलू नौकर होने के रूप में, साथ ही साथ कोई भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान है जैसे होटल है, रेस्टोरेंट है, दुकान है, कारखाने, रिजोर्ट है, स्पा है, चाय की दुकान है, सब जगह पर काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया था 2006 में सरकार ने, है ना। और अगर कोई 14 साल से कम के बच्चों को यहाँ पर नियोजित करता है तो उसके विरुद्ध गंभीर दंडात्मक कार्रवाई की बात की गई थी। परंतु 2016 में एक एक्ट आता है, और ये एक्ट क्या कर देता है, एक तो 14 साल से कम के बच्चे और एक 14 साल से 18 साल के बच्चे, यानी जो बच्चा अभी 18 साल का नहीं है, वो 14 साल से लेकर 18 साल के बीच में है, 18 साल का नहीं हुआ हो, वो उनके लिए ये अधिनियम जो है वो प्रावधान करता है। ये 1986 के अधिनियम में संशोधन करके ही ये लाया गया था। इसके प्रावधान क्या है,
तो एक तो ये पुराना अधिनियम हो गया, तो आपको ज़्यादा डीप में जाने की याद करने की जरूरत नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो आप याद कर लेना, इतना बहुत है। ये अधिनियम क्या कहता है कि कोई भी व्यवसाय है वहाँ पर बच्चों के कार्य करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है ना, जो खतरनाक उद्योग है वहाँ पर, है ना। और यहाँ पर जो बालक है उनकी तो परिभाषा है ही है, साथ साथ किशोरों की परिभाषा भी यहाँ पे दे दी गई है इस अधिनियम के अनुसार। किशोर कौन होगा? जो 14 वर्ष की आयु जिसने पूरी कर ली हो और अभी 18 वर्ष का नहीं हुआ हो, यानी 14 से लेकर 18 वर्ष के बीच में हो, वो बच्चा क्या है? किशोर है, जुवेनाइल उसे कहा गया है ना। और गैर खतरनाक जो भी उद्योग है उन उद्योगों में किशोर आदमी तो काम कर सकता है भाई, 14 से लेकर 18 साल तक का व्यक्ति काम कर सकता है, बच्चा जो है वो काम कर सकता है, परंतु वो भी खतरनाक उद्योगों में नहीं, सिर्फ गैर खतरनाक उद्योगों में ही काम करेगा, और उसकी कुछ शर्तें इस अधिनियम में बताई गई है। और इस अधिनियम में ये कहा गया भाई, जो बच्चे बाल श्रम से मुक्त कराए गए हैं उन बच्चों के रिहेबिलिटेशन के लिए, यानी पुनर्वास के लिए एक कोष होना चाहिए, कुछ प्रावधान उसमें कर दिए गए हैं इस एक्ट में। अगर मेंस में है तो आप ऐसा लिख सकते हो, है ना। अगर यहां पर देखें दंडात्मक प्रावधान, तो अगर कोई उल्लंघन करता है, बच्चों से कार्य करवाता है या अनुमति देता है, तो कम से कम उसे 6 महीने की सजा दी जा सकती है, और ज्यादा से ज्यादा उसे 2 वर्ष तक की सजा दी जा सकती है। जुर्माना 20,000 से लेकर बढ़ाकर 50,000 भी उसमें किया जा सकता है, या दोनों भी इसमें लगाया जा सकता है ना। और अगर कोई किशोरों के साथ ऐसा करता है तो 6 महीने की उसको कारावास हो सकती है, और जुर्माना जो है वो 50,000 तक का इसमें लगाया जा सकता है, सेम वही बात है। और बार बार अगर कोई आदमी करता है तो उसको 3 वर्ष तक की सजा भी दी जा सकती है ना। और इस अधिनियम में बातें एक तो क्या करी गई है, एक तो कोष इसमें बना दिया गया है, और इसमें यह कह दिया गया है भाई गैर खतरनाक जो उद्योग है उनमें काम कर सकता है, एक किशोर है वो, बच्चे भी कर सकते हैं उसमें, है ना। जैसे कि टीवी सीरियल वगैरह आ गया, फिल्म वगैरह आ गया, इनमें जो है बच्चे काम कर सकते हैं, परंतु उनमें उनकी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड सब बातें होनी चाहिए, उनके पेरेंट्स जो होते हैं वो पेरेंट्स वहां पर मौजूद होने चाहिए एक कम से कम, और जितना पैसा उनको मिलता है उसका कुछ परसेंटेज जो है ना वो इन बच्चों के अकाउंट में जाना चाहिए, ऐसा कि माँ बाप खा के बैठते हैं सारे, ऐसा उसमें नहीं होना चाहिए यहाँ पर किया गया है। और गैर खतरनाक जो उद्योग धंधे हैं वहाँ पर बच्चे भी काम कर सकते हैं, जैसे अगर घर की कोई चाय वगैरह की दुकान हो तो वहाँ पर स्कूल आवर्स के बाद में, या आपका हो कि छुट्टियाँ वगैरह हैं उनमें बच्चे काम कर सकते हैं, ऐसे प्रावधान इसमें किए गए हैं। इतना आपको याद रख लेना है, इससे ज़्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। तो आज हमने देख लिया, छोटा सा अपना लेक्चर हो गया, शोषण के विरुद्ध अधिकार हमने देख लिया है ना। कल का जो लेक्चर होगा उसमें हम 25 से लेकर 30 तक का आर्टिकल के जो देखेंगे है ना, जिसमें हम मुख्य रूप से यहाँ देखेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। किसका? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार उसमें हम देखेंगे। 29 और 30 में जो अल्पसंख्यकों का अधिकार है वो भी हम साथ के साथ में ही देख लेंगे, है ना। तो आज का लेक्चर हम यही समाप्त कर लेते हैं। इस लेक्चर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से टेलीग्राम पे अपना चैनल है, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी आपको कोई सलाह लेनी हो या कोई सलाह देनी हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, और बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।